जेके आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स के बारे में। मेजर डायमीटर, यह स्क्रू थ्रेड की सबसे बड़ी व्यास होता है। स्क्रू थ्रेड में इन्हें ओडी आउटसाइड व नट थ्रेड में इन्हें फुल डायमीटर कहते हैं। माइनर डायमीटर, यह चूड़ी का सबसे छोटा व्यास अर्थात एक चूड़ी के रूप में उसके सामने वाली चूड़ी कट अर्थात लंबत माप का माइनर डायमीटर कहते हैं। बाह्य चूड़ी जैसे बोल्ट आदि में इसे कोर या रूट डायमीटर व आंतरिक चूड़ी में इन्हें इनसाइड डायमीटर कहते हैं। पिच डायमीटर, यह स्क्रू थ्रेड पर काल्पनिक व्यास होता है जो कि चूड़ी के मेजर व माइनर व्यास के बीच में स्थित होता है। पिच डायमीटर बराबर मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड। पिच, यह चूड़ी के मध्य के साथ वाली चूड़ी के मध्य की वह दूरी जो अक्ष रेखा के समांतर मापी जाए उसे चूड़ी की पिच कहते हैं। लीड, बोल्ट व नट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को उसकी लीड कहते हैं। एक मुंह की चूड़ी में लीड व पिच बराबर होती है, परंतु डबल मुंह वाली चूड़ी में लीड व पिच दो गुना होती है। क्रेस्ट, स्क्रू थ्रेड के ऊपरी सतह जहां दोनों साइडें मिलती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। रूट, स्क्रू थ्रेड के नीचे वाली सतह जहाँ दोनों साइडें मिलती है उसे रूट कहते हैं। फ्लैंक व साइड, एंगल ऑफ थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में मिलने वाले जो कोण में बनाती है उसे एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। हेलिक्स एंगल, यहाँ चूड़ी के झुकाव कोण या पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण को हेलिक्स कोण कहते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी के क्रेस्ट व रूट के बीच लंबवत व लंब रूप में मापी गई दूरी को चूड़ी की गहराई कहते हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स, इससे अभिप्राय यह है कि चूड़ी की संख्या। थिकनेस ऑफ थ्रेड्स, यह पिच लाइन पर या उसके समांतर थ्रेड के निकटतम दो साइडों की दूरी होती है। अब देख लेते हैं पिच व लीड में अंतर। पिच, एक चूड़ी के केंद्र के साथ वाली चूड़ी के बीच की दूरी लंबत पिच कहलाती है। पिच चूड़ियों की प्रति इंच संख्या पर निर्भर करती है। पिच बराबर 1/TPI थ्रेड पर इंच। एक मुंह वाली चूड़ी में पिच व लीड समान होती है। लीड, बोल्ट या स्क्रू के एक चक्कर में अपनी दूरी पर जितनी दूर आगे पीछे बढ़ता है उसे उसकी दूरी को लीड कहते हैं। लीड चूड़ी के पिच व उसके मुंह पर निर्भर करती है। लीड बराबर पिच इंटू चूड़ी के मुँह की संख्या। जितने मुंह की चूड़ी होगी लीड पिच उतने ही गुना होगी।